नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। मैं हुताविश हुसैन और हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप में मचे घमासान की। टाटा ग्रुप में लगातार एक दूसरे पर वार का सिलसिला जारी है। अब टाटा सन्स ने निर्मला कुमार को लीगल नोटिस भेजा। निर्मला कुमार टाटा सन्स ने महत्वपूर्ण जानकारी लीक करने का आरोप लगाया है। इससे पहले निर्मला कुमार ने टाटा सन्स पर करारा हमला बोला था। निर्मला कुमार ने टाटा ग्रुप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल खड़े किए थे। इस बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त ब्रजेश मिश्रा जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। ब्रजेश, लगता है जैसा कि कोई यहां पर बोलता है एक दूसरे के खिलाफ तो उस पर एक्शन लेने की बात आगे आ जाती है। अब निर्मला कुमार को लीगल नोटिस भेजा गया है, क्या बातें ऐसी कही गई टाटा सन्स की तरफ से जो लीक हुई है? देखिए, ये जो पूरे ग्रुप में दोनों पक्षों के बीच में जो विवाद चल रहा है, इसमें तो ये है कि जो भी किसी भी पक्ष के बारे में कुछ बोलेगा वो उसके एक दूसरे पक्ष के निशाने पर होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि चाहे वो टाटा ग्रुप में मिस्त्री वारिया को सारिश मिस्त्री का पक्ष लेने की वजह से निकालने की तैयारी, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से हटाने की तैयारी की है। अब निर्मल कुमार दूसरे एक हैं, जिन दूसरे व्यक्ति होंगे जिनके खिलाफ टाटा ग्रुप इस तरह के एक्शन ले रहा है। इसमें निर्मल कुमार ने जैसा कि उनकी बिजनेस से बातचीत में यही कहा था, दो तीन चार चीजें कही थी निर्मल कुमार ने। पहला, निर्मल कुमार ने ये कहा था कि टाटा ग्रुप में जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है उसको ठीक करने की बहुत जरूरत है और उन्होंने इस पर सवाल खड़ा किया था। उनका ये कहना था कि अगर अगले 150 साल तक टाटा ग्रुप को जिंदा रहना है, उसको बचाकर रखना है, अपने आप को तरक्की करनी है, तो ट्रस्ट का रोल क्या होना चाहिए, कंपनियों का रोल क्या होना चाहिए, टाटा सन्स का क्या रोल क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें डिफाइन करने की जरूरत है। दूसरी बात, उन्होंने ये बताई थी कि उनकी स्ट्रेटजी क्या थी जो ग्रुप की कंपनियों के लिए थी और किस किस तरह उन्होंने क्या प्लान बनाया था कि आगे जो ग्रुप की कंपनियां किस तरह से 3 कैटेगरी में बांटी गई हैं और किसके लिए क्या रणनीति रखी गई थी, वो एक बात उन्होंने मीडिया से शेयर की थी। शायद टाटा ग्रुप को इस बात पर एतराज हो। तीसरी बात जो उन्होंने कही थी वो टायरस मिस्त्री की काफी तारीफ की थी और ये कहा था टायरस मिस्त्री को पहले निकाल दिया गया है कंपनी से और अब उनको निकालने के बहाने खोजे जा रहे हैं। शायद ये बात टाटा ग्रुप को, टाटा सन्स को नागवार गुजरी हो और इस वजह से उन्हें लीगल नोटिस भेजा गया है। जी बिल्कुल, यही बातें लगता है भी है कि सामने आ रही हैं कि सारस मिस्त्री की तारीफ करना लगता है भारी पड़ रहा है यहाँ पर निर्मला कुमार को। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका सब जानकारी के लिए।